आपको ऑफेंडेड का आप देख सकते हैं यहाँ पे लग रहा है सभी सर से गुजारिश है कि आप लोग भी बच्चे को संबोधन करें। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा दुर्गेश सर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, वो आप लोगों को कुछ आके बताएंगे और उनके बताए गए रास्तों पर आप लोग को चलना है। आइए सर। धन्यवाद सर। आज बड़े हर्ष की बात है जो हम लोग एक जगह जमा होकर के टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वैसे तो टीचर का काम बहुत ही आप लोग के लिए योगदानपूर्ण रहता है। आप लोग के पीछे जो है जितना भी वर्क किया जाता है आज सिर्फ आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए। एक टीचर जैसे कि तैसे जहाँ रहता है वहीं रह करके शिक्षक अपने स्टूडेंट के प्रति जितना जागरूक भाव से आगे बढ़ाने का काम करता है तो टीचर के लिए सबसे बड़ी पूंजी यही है कि आज के दिन बड़े सम्मान से आप लोग जो टीचर का अभिवादन कहिए या उसका लोग जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय जो है राष्ट्रपति रहे हैं। एक शिक्षक थे, क्या थे वो? शिक्षक थे। और शिक्षक के प्रति उनके शिष्य जाके उनसे पूछे कि आपके जन्मदिन है, आज हम जो है आपका सम्मान में बर्थडे पार्टी मनाएंगे, ये करेंगे। तो उन्होंने बोले कि देखो हमको तब खुशी होगा जब आप इसको शिक्षक के रूप में मनाओ। ठीक है, शिक्षक क्या चीज़ है? ये आप लोग माँ बाप जन्म देते हैं, शिक्षक उसको उसमें दिशा दिखाने उसके हर बुद्धि देता है ताकि वो अपने जीवन में सही निर्णायक मोड़ पे अपना निर्णय ले सके। ठीक है, शिक्षक क्या है? समय और समझदारी दोनों बड़े पैमाने पे अलग है। जब व्यक्ति को समय रहता है तो समझदारी नहीं रहता है। ठीक है, जब समझदारी आता है उसके पास समय नहीं रहता है। तो टीचर क्या करते हैं, उनको समय रहते हुए उनके शरीर में समझदारी भरने का काम करते हैं, उसको अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसित करते हैं। शिक्षक कुछ नहीं करते हैं, करते खुद विद्यार्थी है।
पढ़ाई जो भी करते हैं, एक विद्यार्थी खुद उसमें काबिलियत है हर चीज़ करने का, ठीक है, लेकिन शिक्षक के माध्यम से वो करते हैं, ठीक है, जितना भी जो भी अपने लक्ष्य को है करते हैं, ठीक है, शिक्षक भी आजकल जो है अपने मूल कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं, तो उसका रीजन है विद्यार्थी, ये मॉडर्न युग है, इसमें जो है जो प्लस टू में विद्यार्थी पढ़ाई कम, ठीक है, इधर उधर की बातें ज़्यादा ध्यान देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं स्टूडेंट से कि पढ़िए, अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करिए, ठीक है, आपको कहाँ जाना है, किस पद पे जाना है, एक शिक्षक के साथ आज क्या हो रहा है देख रहे हैं, हम भी पढ़ाते हैं देखते हैं, शिक्षक और विद्यार्थी में डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्यों, इसका रीजन क्या है, आज शिक्षक और टीचर के बीच गैपिंग बढ़ रहा है, पहले समय में शिक्षक जो अच्छे विद्यार्थी थे वो शिक्षक के संपर्क में रह के शिक्षा प्राप्त करते थे, आज तो वैसा हो नहीं रहा है, शिक्षक दिवस तो मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों को क्या चाहिए, आज के युग में शिक्षक दिवस एक नाम हुआ, काम तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि शिक्षक का सम्मान करें, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, बड़े हो, सबका सम्मान करें, जहाँ पढ़े अथवा ना पढ़े, टीचर वो मार्ग है, जैसे आप लोग जानते हैं सड़क और शिक्षक, सड़क और शिक्षक में क्या अंतर है, वो खुद अपने जगह पे रहते हैं, लेकिन विद्यार्थी को उसके मार्ग जहाँ लक्ष्य था वहाँ पहुँचाने का काम करता है, तो शिक्षक एक सफल उत्प्रेरक है, गुड कैटलिस्ट, क्या होते हैं शिक्षक, क्या है गुड कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, जो कि उसके विद्यार्थी को जो है एक्टिवेशन एनर्जी दे के कम करके उसको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने का काम करते हैं, यहाँ बहुत सारे टीचर भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, बहुत खुशी की बात हो रहा है कि आज हमको मौका मिला बोलने के लिए इस युग में, इस समय में, क्योंकि पहले का शिक्षक दिवस और आपका शिक्षक दिवस में अंतर है, ठीक है, तो आप लोग से यही गुजारिश है शिक्षक दिवस में शिक्षक के प्रति, ठीक है, सबसे पहले घर में माँ है, सबसे बड़ा शिक्षक माँ है, क्योंकि वो आपको, आपको जितना व्यक्ति जानता है उससे 9 महीना पहले से वो जानता है, जानती है आपको, ठीक है, इसलिए माँ बाप का और खास करके माँ का हमेशा सेवा कीजिए, क्योंकि वही आपका पहला शिक्षक है, ठीक है, दूसरा शिक्षक किसको दर्जा दिया गया है, शिक्षक को, ठीक है, जो टीचर है जो आपको जो पढ़ाते हैं, विद्यार्थी खुद एक टीचर है, विद्यार्थी अपने में खुद एक शिक्षक को देखे, क्योंकि वो अपने जीवन में किसी को बता रहा है, कुछ गेन कर रहा है, ले रहा है, वो खुद एक शिक्षक है, ठीक है, तो शिक्षक के प्रति हमेशा उदार भाव होना चाहिए, शिक्षक के प्रति, कोई भी शिक्षक के प्रति छल कपट नहीं होना चाहिए, और शिक्षकों में भी जो होता है आज देखते हैं अपने शिक्षक अपने मूल कर्तव्य से पीछे हट रहा है, ठीक है, जो शिक्षक को चाहिए क्योंकि हम देखते हैं पढ़ाते हैं नवनिकल बनाते हैं 2-3 नवनिकल बनाते हैं, विद्यार्थी खुद कहता सर नहीं छोड़िए इसको आगे बढ़िए, यानी कि हमको लग रहा है कि ये जिंदगी इसका जा रहा है, विद्यार्थी अपना लक्ष्य को सही से निर्धारित नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको गाइडलाइंस नहीं मिल रहा है और विद्यार्थी शिक्षक के संपर्क में नहीं है, वो कहीं ना कहीं दूर हो रहा है, इसलिए उसका मनोवृत्ति भी घट रहा है, ठीक है, तो आप लोग देश के अच्छे नागरिक हैं, देश के महान हैं, अपने देश के, ठीक है, गौरव है, उस गौरव को बनाए रखिए, गरिमा को, ठीक है, आज इतने कहना चाहते हैं, धन्यवाद। जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि वो भी आप लोगों के सामने 2 शब्द रखें। राजू सर एवं आए हुए तमाम मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक और कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जैसे सभी सर से आप लोगों ने सुना, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में, उनकी जयंती 5 सितंबर 1888, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। एक शिक्षक होते हुए इतने गरिमामय पद पर पहुंचना एक कम भारी बात नहीं है, अपने में बहुत ही गौरवमय एक मिसाल होती है ये, तो उनसे प्रेरणा हमें ये मिलती है कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना, हम कैसे अपने कैसे डेडिकेशन के साथ अपने एम को हासिल करें, किस तरह से हम पाएं। गुरु की महत्ता इतनी है कि कहावत है कि गुरु गोविंद दो खरे काके लाहु पाएं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, मतलब एक तरफ गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो गुरु की महत्ता पहले आती है, बाद में गोविंद आती है, मतलब भगवान बाद में, पहले गुरु। प्रथम पाठशाला हमारी हमारे परिवार होते हैं, माँ होती है, पापा होते हैं, उसके बाद तीसरा जो स्थान आता है वो है गुरु का, शिक्षक का। गुरु मतलब क्या होता है, गुरु मतलब होता है गुरु रहस्यों का ज्ञान देना। जितने भी मनुष्य रूप में जो भी हैं हम लोग, शरीर में चेतन और अवचेतन मन होता है, उस अवचेतन मन को चेतना की ओर ले जाना, हमारे मन को, हमारे जो इच्छा शक्ति है उसको केंद्रित कर अपने लक्ष्य के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करना। तो शिक्षक दिवस का मेन प्रयोजन हम लोगों को होना चाहिए
कि कैसे हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम युवा हैं और भारत एक भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत युवाओं का देश है। यहाँ आधी जो जनसंख्या है ना वो युवाओं का देश है, युवा है वो। और युवा कौन है, किसको युवा कहते हैं? युवा वो है जो काल की चाल को बदल देता है, युवा वो है जो अपना भविष्य खुद से लिखता है, युवा वो है जो विपरीत परिस्थिति में समझदारी के साथ काम लेते हुए अपने आप को जीत हासिल करता है, युवा वो है जो अनैतिक को नैतिक की ओर ले जाता है, जो न्याय कर पाता है, जो न्यायोचित कदम उठाता है, वो है युवा। और हमारा देश इसमें नंबर वन है। हमारा राष्ट्र सदियों से विद्वता का केंद्र रहा है। यहाँ पे बाहर से कई सारे लोग यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने आए हैं और ये विद्वानों की धरती है। तो इसी में एक देश और अपने आप को एक नैतिक रूप से मानव ग्रुप में पहचान बना सकते हैं। धन्यवाद। मैं कहते अपना मुरली सर जो कि कंपटीशन के शिक्षक हैं और बंदों गुरु हरिचंद के पास सिंधु नद रूप हरि महामोह तंपंज जासो वचन रवि कर निकर तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो होई। आदरणीय निरंजन सर और यहाँ उपस्थित शिक्षक बंधु साथी विद्यार्थीगण, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की मंगल कामनाएं शुभकामनाएं। देखिए आज मैं बहुत ज़्यादा औपचारिकताओं में फंसना नहीं चाहता। शिक्षक दिवस है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन वृत्तांत से आज आप परिचित हैं, बहुत सारे शिक्षकों ने उनकी चर्चा की है, आगे भी करेंगे, लेकिन मैं इनसे अलग कुछ और बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैं आज भाषण नहीं संवाद करना चाहता हूँ आपसे, और संवाद में सबसे पहली बात तो यह है कि गुरु शब्द का अर्थ क्या है? आप लोग में से कोई बता सकते हैं गुरु शब्द, क्योंकि मैं भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, संवाद करने के लिए आया हूँ। इसीलिए संवाद की कला में आपसे पूछताछ करूँगा, इसका जवाब आपको देना है, गुरु मतलब क्या होता है? अगर शाब्दिक विश्लेषण करें हम लोग तो दो शब्दों से बना है ये, एक होता है गुह और दूसरा होता है रूह। गुह जो रूह यही है गुरु। गुह का मतलब होता है अंधकार, अंधकार का विशेष अर्थ है अज्ञान, अज्ञान छिपा होता है अवचेतन स्थिति में, और रूह का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाश मतलब चेतना, चेतना का विशेष संबंध ज्ञान से है, विशेष ज्ञान से है। तो जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं, ये भी साधारण परिभाषा है गुरु की। अगर और विशेष अर्थ में गुरु का और विश्लेषण किया जाए तो वह व्यक्ति जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको गुरु नहीं कहेंगे, बल्कि जो स्वयं प्रकाश हो और अंधकार में व्यक्ति को प्रकाश की ओर ले जाता हो उसको गुरु कहेंगे। दोस्तों यहाँ शिक्षक दिवस आज 2022 के शिक्षक दिवस को लेकर के एक बड़ा ही भ्रम की स्थिति है, और वो स्थिति ये है कि आज शिक्षा और नकली शिक्षा ये बहुत प्रमुख चुनौती बन गई है हम लोगों के लिए। पूरे देश में जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जातिवाद फिर से अपने प्रबल रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, समाज बट रहा है और लोग बट रहे हैं आपस में, तो यहाँ शिक्षा का सही से लोगों तक पहुँच पाना ये बड़ा जरूरी काम हो गया है, क्योंकि आज फेसबुक व्हाट्सएप और विभिन्न सोशल साइट के माध्यम से आप लोगों के पास गलत जानकारियाँ पहुँचाई जा रही है, लगातार पहुँचाई जा रही है। आप लोगों को एक बात सिखा दी गई है, फेसबुक पर आया होगा, व्हाट्सएप पर आया होगा, महात्मा गांधी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। आपके पास ये आया होगा कि भाई सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री बने होते तो देश का बड़ा विकास होता, लेकिन नेहरू जी ने देश को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो ये तमाम बातें आप तक पहुंचाई गई है जो कि बिल्कुल झूठ है। लेकिन दिक्कत ये है, मैं एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उसको गौर से समझिए। सही ज्ञान और नकली ज्ञान ये दोनों ही आप तक पहुँच रहे हैं, लेकिन साधन अलग अलग है और पहुँचने का तरीका भी अलग है, या फिर आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो तरीका अलग है। आप कैसे पहचानेंगे कोई बात सही है कि गलत है, कोई ज्ञान सही है कि गलत ज्ञान है? तो याद रखिएगा, जब किसी ज्ञान तक आप स्वयं अपने प्रयासों के माध्यम से किसी मार्गदर्शक के नेतृत्व में पहुंचते हैं तो वो ज्ञान सही है, लेकिन जब कोई ज्ञान अपने आप तक बिना किसी परिश्रम के पहुंच जाए वो बात झूठ होगी। जैसे महात्मा गांधी ने इस देश को बर्बाद कर दिया, ये सबको पता होगा, लेकिन अगर मैं किसी एक व्यक्ति से यहाँ उसको खड़े करवा करके पूछ लूँ कि महात्मा गांधी ने देश को कैसे बर्बाद किया, उसको पता नहीं है। यही है नकली ज्ञान का, है ना, नकली ज्ञान की विशेषता यही है कि आप जानते हैं लेकिन उसको बता नहीं सकते, क्योंकि आपको ये बताया ही नहीं गया कैसे, आपको बताया गया है क्या, और अगर आप सिर्फ क्या के पीछे पड़े हुए हैं और कैसे नहीं जान रहे हैं तो आपकी शिक्षा अधूरी है।
दूसरी बात, गुरु की महिमा मंडन की जहाँ तक बात है कि आज हम लोग विशेष दिन, इस दिन गुरु की महिमा को मंडित करते हैं, महिमा मंडित करते हैं, तो देखिए गुरु इतने महान हस्ती है, महान पद है, जिसके बारे में मैं एक भी शब्द शायद बोलने में खुद को असमर्थ महसूस करता हूँ। कबीर साहब इतने पहुँचे हुए संत शिरोमणि, और वो गुरु की विशेषता कहते हुए अपने आप को नतमस्तक कर देते हैं, गुरु की विशेषता को विश्लेषित नहीं कर पाते हैं, अपनी अक्षमता को दर्शाते हैं, जाहिर करते हैं। उन्होंने कहा, धरती सब कागज करो, पूरे पृथ्वी को अगर धरती बना दी जाए, लेखनी सब बन रहा है, जितने भी वन हैं अगर सबको लेखनी बना दिया जाए, सात समुद्र की मसी करूं और सातों समुद्र को अगर स्याही बना दिया जाए, गुरु गुण लिखा ना जाए, फिर भी यह संभव नहीं है कि आप गुरु को, गुरु के विशेषताओं को ठीक ठीक लोगों तक पहुँचा। इसीलिए इस और मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि उनका विश्लेषण, जब कबीर साहब खुद को असमर्थ बताते हैं उनके विश्लेषण में, तो मैं साधारण आदमी हूँ। अब रही बात गुरु क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि भारत कभी किसी समय में विश्व गुरु था और फिर से बनना चाहता है, ठीक है, भारत कभी विश्व गुरु था और फिर से बनना चाहता है। आपको ये नहीं बतलाया गया है कि भारत कब विश्व गुरु था, बस आप बस इतना जानते हैं प्राचीन समय में भारत विश्व गुरु था। याद रखिएगा, विश्व गुरु बनाने के लिए दो व्यक्ति का होना आवश्यक है और उनका कुशल होना आवश्यक है, एक आदर्श शासक और दूसरा आदर्श शिक्षक। शासक और शिक्षक में वह क्षमता होती है, वो समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और विश्व निर्माण कर सकता है, विश्व कल्याण कर सकता है। और अगर ये कहा जाए कि शिक्षक किसी एक पद का नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि शिक्षा देने वाला हर व्यक्ति शिक्षक ही होता है, लेकिन एक शिक्षक समाज में ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, लेकिन एक शिक्षक को समाज द्वारा जो मान्यता देनी चाहिए वो नहीं मिल पाया, और वो सबसे बड़ी शिक्षक है माँ, है ना, वो सबसे बड़ी शिक्षक है माँ। कहा जाता है कि नेपोलियन जब फ्रांस का सेनानायक बना, तो नेपोलियन से कुछ लोगों ने पूछा कि आप फ्रांस को कैसे दुनिया के शीर्ष देशों में खड़ा करेंगे, आपके पास क्या तरीका है। नेपोलियन ने कहा कि तुम मुझे एक शिक्षित माँ दो, मैं एक शिक्षित देश दूंगा। अब समझ सकते हैं कि माँ का महत्व कितना है, एक शिक्षित माँ एक शिक्षित देश को कर सकती है। तो आप यहाँ शिक्षा के माध्यम से महिला शिक्षक और महिला शिक्षिका, सॉरी महिला शिक्षिका का भी महत्व समझ सकते हैं, और हर घर में महिला शिक्षिका है वो माँ के रूप में। तो सबसे पहले जब घर से आपको निकलना चाहिए तो अपनी माँ को ही, है ना, क्या करके निकलना चाहिए था, हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है। अच्छा है वो बात भी अलग, क्योंकि मैं संवाद करने आया तो कुछ बात पर मैं बात करूँगा। दूसरी बात यह है कि आप सुने होंगे एक बात, और वो ये बात है कि यहाँ पर अंग्रेजों के समय में यह बात कही जाती थी कि भारत के लोग शुरू से असभ्य रहे, शुरू से। और जब पहली बार यूनान के संपर्क में भारत आया, यूनान के संपर्क में कहने का मतलब सीधा है कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत में, तब भारत ने यूनान के संपर्क में आकर ज्ञान विज्ञान सीखा और भारत के लोग थोड़े सभ्य हो गए। लेकिन बाद में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है, तो अंग्रेजों को यह पता चल जाता है कि भारत आज से नहीं, बल्कि अंग्रेज और पूरे यूरोपियन जब वो जनजातियों का जीवन जी रहे थे, तो भारत दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं की श्रेणी में अग्रणी थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की अपने समय की सबसे बेहतर सभ्यता थी, उसमें सबसे बड़ा योगदान उन्होंने व्यापारियों का दिया। लेकिन मैं समझता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता अगर दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता थी, उसके पीछे कोई ना कोई शिक्षक रहे होंगे। लेकिन शिक्षकों की बात इतिहास में कहीं भी नहीं है, है ना। लेकिन बाद में जब ऐतिहासिक युग में पढ़ते हैं, तो ऐतिहासिक युग में हम लोग देखते हैं कि चाणक्य जैसे गुरु आए, है ना। आप चरक का नाम सुने, चरक का बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य। एक बार चरक के गुरु ने चरक को कहा कि चरक तुम मुझे बहुत प्रिय हो, बार बाकी शिष्यों की तुलना में तुम सबसे ज़्यादा प्रिय हो। तो कुछ शिष्यों ने सुन लिया, कुछ शिष्यों ने सुन लिया, तो वो चरक से चिरने लगे और अपने गुरु पर ये आक्षेप डालने लगे कि हमारे गुरु भेदभाव करते हैं, एक शिष्य को ज़्यादा मानते हैं, दूसरों को कम मानते हैं। अब गुरु को ये बात पता चल गई कि कुछ लोगों में, कुछ स्टूडेंट में ये भ्रम की स्थिति है कि हम भेदभाव कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, सचमुच चरक ज़्यादा योग्य है। तो इस बात की परीक्षा के लिए उस गुरु ने क्या किया, आयुर्वेद की परीक्षा ली और अपने स्टूडेंट को एक होमवर्क दे दिया, कहा कि तुम लोग जाओ, मैंने तुम्हें वनस्पति विज्ञान की का ज्ञान दिया है, वनस्पति विज्ञान का ज्ञान दिया है, तुम लोग जाओ और एक ऐसा पौधा ढूंढ करके लाओ जिसमें कोई भी औषधीय गुण ना हो। शाम तक का वक्त दिया, सारे स्टूडेंट गए, स्टूडेंट जाने के बाद सबने कुछ ना कुछ पौधा अपने हाथ में लेकर के वापस से अपने गुरु के पास लौटा। बहुत देर हो गई, सब लौट आए थे, कोई 10 पेड़ लेके आया था, कोई 20 पेड़, कोई 100 पेड़, इस तरह से लेकर के आया था, लेकिन चरक नहीं लौटा था। बहुत लोग
इस बात के लिए अब टेंशनलाइज होने लगे कि भाई चरक अभी तक क्यों नहीं आया। ऐसा ना हो कि चरक बहुत सारे पौधों को इकट्ठा करके लाया है ना। तो हुआ ये कि चरक लेट से आया और जब आया तो उसके हाथ खाली थे, एक भी पौधा उसके पास नहीं। और जब पूछा गया कि चरक आपके पास एक भी पौधा नहीं है, उन्होंने कहा अंकित कि गुरुदेव आपने जो मुझे शिक्षा दी थी उसने चरित्र में शिक्षक दिवस के अवसर आप लोग सिर्फ शिक्षक को प्रणाम मत कीजिए, ठीक है। प्रणाम करने से आप पैर छू लेंगे तो इससे बहुत काम नहीं होने वाला है। जरूरी है कि चरण के साथ साथ आचरण को छुना जाए, तभी जाकर के आप महान हो सकते हैं। सिर्फ चरण छूने से नहीं, आचरण को भी छूना जरूरी है। दूसरी बात है कि हम लोग ज्ञान और विज्ञान के चरण में विज्ञान की परिभाषा में कहते हैं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो सोचिए क्रमबद्ध ज्ञान देने वाले को क्या कहते हैं, उसको सिर्फ गुरु कह रहे हैं, जबकि वो तो महावैज्ञानिक है। अगर गुरु ना हो तो क्या संगीत का विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान मिल सकता है, कला का क्रमबद्ध ज्ञान मिल सकता है, अध्यात्म का क्रमबद्ध ज्ञान मिल सकता है ना, सामरिक क्षेत्र का क्रमबद्ध ज्ञान मिल सकता है, किसी भी क्षेत्र में नहीं, ना भौतिक ना आध्यात्मिक ना राजनीतिक ना शैक्षणिक ना आर्थिक है ना, किसी भी आयाम में क्रमबद्ध ज्ञान मिल ही नहीं सकता। यानी गुरु आधार है समाज निर्माण का, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर गुरु समाज आधार में निर्माण की भूमिका में ही है। बहुत सारे शिक्षक हैं है ना, और इस शिक्षक दिवस पर मेरी विशेष विनती ऐसे शिक्षकों से है जो अपनी कर्तव्य निष्ठा में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, जो इसे कमाई का सिर्फ साधन और जरिया समझ रहे हैं, उन लोगों को अब जरूरी हो गया है, क्योंकि भारत बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रहा है। खास करके हमारे बिहार की स्थिति तो शिक्षा को लेकर के बेहद बुरी है। आप जानते होंगे कि बिहार जो है वो पूरी दुनिया में पूरे भारत में शिक्षा के मामले में सबसे निचले पायदान पर है, और ऐसे में बिहार में शिक्षकों की जो भूमिका है वो भूमिका पूरे देश में कहीं और ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितनी बिहार में। लेकिन बिहार में ही शिक्षा की स्थिति आपको पता है, बिहार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आगे था। बिहार आप कहें ना कि भारत विश्वगुरु का अर्थात, याद रखिएगा जब मगध का राज पूरे हिंदुस्तान पर था, जब मगध का राज पूरे हिंदुस्तान पर था तब भारत विश्वगुरु हुआ है ना। आज क्या है, हिंदुस्तान का राज मगध पर, आज हिंदुस्तान के अंदर मगध आता है, कभी मगध के अंदर पूरा हिंदुस्तान आता, उस समय बिहार विश्वगुरु हुआ करता था। याद रखिएगा बिहार को जो बिहार की जो ऐसी स्थिति, कभी कभी आप सोचते होंगे बिहार की ऐसी स्थिति क्यों है, तो पहली बात याद रखिएगा कि 70 साल के बाद बिहार से कोई भी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर नहीं पहुंचे। पहला कारण, अगर बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता तो निश्चित ही बिहार फिर से अपने गौरव को प्राप्त करता। दूसरी बात याद रखिएगा, बिहार के विश्वविद्यालय, आपको पहले ही बता दिया किसी भी समाज किसी भी राज्य की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कराने में दो व्यक्ति की बहुत ज्यादा महत्ता है, एक शिक्षक और दूसरा शासक। हमारा शासक और शिक्षक, आप देखें गुप्त साम्राज्य में एक पर एक शासक हुए और शिक्षक भी एक पर एक। हमारा यहाँ विश्व का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसने की थी, है ना, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 420 ईस्वी में। और उस समय पूरे दुनिया के लोग भारत में नहीं सिर्फ बिहार आते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। बिहार वाज द फर्स्ट हब और वर्ल्ड टू गेट नॉलेज, टू एनहांस नॉलेज, इतना ज्यादा बड़ा जो है ये केंद्र हुआ करता था शिक्षा का। उसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं हमारे भागलपुर में अंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है हुआ करता था, है नहीं, जिसका नाम विक्रमशिला। विक्रमशिला और नालंदा के दम पर बिहार शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था विश्व में। और एक बात आप लोग को सुनकर के आश्चर्य बढ़ेगा, बहुत आश्चर्य होगा कि एक स्थिति बिहार में ऐसी भी आई थी कि जब एक विदेशी शासक जिसका नाम था तनिष्क, उसने बिहार पर हमला किया। आपको सुनकर के सुखद आश्चर्य होगा कि उसके बिहार पर आक्रमण करने का कारण क्या था। कहा जाता है कि उस समय बिहार शिक्षा और शिक्षक का सबसे बड़ा केंद्र होने के नाते अश्व घोष यहाँ के बड़े बहुत बड़े बौद्ध दार्शनिक, बहुत बड़े बौद्ध दार्शनिक, क्या नाम था, अश्व घोष। और अश्व घोष को अपने राज्यसभा में रखना चाहते थे अश्व घोष, और अश्व घोष जाना नहीं चाहते थे, कश्मीर नहीं जाना था, कश्मीर में ही शासन था किसका, कनिष्क का। कनिष्क चाह रहे थे कि अश्व घोष जो बिहार का सबसे बड़ा बौद्ध दार्शनिक है, बहुत बड़ा विद्वान है, वो हमारे राज्यसभा की शोभा बढ़ाए, यहाँ बैठे वो, लेकिन नहीं जाना चाहते थे अश्व घोष। और तब कनिष्क ने संपर्क किया बिहार के शासक से और कहा कि आप अश्व घोष को हमारे पास भेज दो। बिहार के शासक ने कहा कि हम अश्व घोष को आपके पास नहीं भेजेंगे, ये हमारे राज्यसभा की शोभा है, इसको हम आप तक नहीं पहुँचा सकते, आप तक नहीं भेजेंगे। और तब कनिष्क ने आक्रमण किया। याद रखिएगा इतिहास में एकमात्र युद्ध, आप सुने होंगे, धन के लिए सिकंदर ने पूरा विश्व को राउंड डाला, पश्चिम एशिया से चला था, व्यास नदी के पश्चिम पर आकर रुका था। बिहार का ही व्यक्ति था, बिहार का ही शासक था, नाम था घनानंद। सिकंदर यहीं घायल हुआ था, देवी दुनिया में जाकर के दम तोड़ा, ये बिहारी की ताकत है ना, ये बिहारी की ताकत थी। लेकिन अब यहाँ पर
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अश्व घोष यहाँ का इतना बड़ा बौद्ध विद्वान है जिसको कौन चाहता है, कनिष्क चाहता है, अपने राजदरबार में चाहता है, और अश्व घोष जाना नहीं चाहते। पाटलिपुत्र के शासक ने कह दिया कि हम अश्व घोष को नहीं जाने देंगे। कहा जाता है कि अश्व घोष जैसे विद्वान को प्राप्त करने के लिए कनिष्क ने युद्ध छेड़ दिया, उसने आक्रमण कर दिया पाटलिपुत्र पर। याद रखिएगा इतिहास का पहला आक्रमण जो किसी शिक्षक को प्राप्त करने के लिए हुआ था, और किसने किया था, कनिष्क। बिहार ऐसे शिक्षकों का केंद्र हुआ करता था जिसे प्राप्त करने के लिए, जिस शिक्षक को प्राप्त करने के लिए कनिष्क जैसे शासक को बिहार पर आक्रमण करना पड़ा था, और यहाँ पर युद्ध करके वो यहाँ से एक शिक्षक को ले गया था, वो बिहार था। और जब वैसे शिक्षक फिर से बिहार में होंगे तभी जाकर के बिहार लीड करेगा न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को। याद रखिएगा बिहार में भी वो संभावना है, बिहार में बस एकमात्र बिहार है जिसमें संभावना है कि वो पूरे भारत को दुनिया के नजरों में विश्वगुरु बना सकता है, और बिहार के किस व्यक्ति में, शिक्षक। तो याद कीजिए अपने ऐतिहासिक गौरव को, हर शिक्षक पढ़िए चंद्रगुप्त मौर्य को और उसके गुरु को, पढ़िए आप चाणक्य को, है ना, पढ़िए आप आर्यभट्ट को, आप देखिए कि उनका कितना बड़ा योगदान रहा है, और उनके योगदान के कारण आज भी हम लोग भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। लेकिन एक पिछड़ा हुआ बिहार के रहते कभी भारत दुनिया के नजरों में विश्वगुरु नहीं बन सकता है। एक शासक के पास वो क्षमता ही नहीं है, एक शासक के पास कतई वो क्षमता नहीं है कि वो भारत को विश्वगुरु बना सके। और एक बात याद रखिए, एक शासक के पास यह भी क्षमता नहीं है कि वो आपके अच्छे दिन ला सके। एक शिक्षक के पास ये दोनों अधिकार प्राप्त है कि वो आपके अच्छे दिन भी ला सकते हैं, वो भारत को विश्वगुरु भी बना सकते हैं। इसीलिए शासक से ज्यादा आप शिक्षकों का सम्मान करते हैं। एक भ्रम की स्थिति यह भी फैली हुई है, पर आप पता नहीं कैसे फैल गया, लेकिन फैल गया कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल गलत, हर सफल व्यक्ति के पीछे गुरु का हाथ होता है, इसमें किसी को दो राय है। लेकिन ये भ्रम की स्थिति, आप लोग जब भी सफल हो उससे किसी औरत को ना देकर के अपने गुरु को दीजिएगा, क्योंकि गुरु का कोई लिंग नहीं, ना वो औरत है ना वो पुरुष, वो औरत भी हो सकती है पुरुष भी हो सकती है, ठीक है। और एक बात और की ओर जा रहे, ठीक है, बहुत अच्छी शिक्षा है और हमारी बहुत सारी कमियों को पूरा कर रहा है। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि एक मूलभूत अंतर है ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली और ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली यानी क्लास सिस्टम, और वो अंतर किस बात का है, वो अंतर इस बात का है कि जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है उसको आप अपने माहौल में लेकर जा रहे हैं। कहाँ लेकर जा रहे हैं, अपने माहौल में, इसीलिए वो आपके रूम में जाकर आपके माहौल में जाकर के अपना प्रभाव खो देता है। बहुत अच्छे शिक्षक पढ़ा रहे हैं लेकिन आपने उसको अपने माहौल में ले आया, इसीलिए उसका प्रभाव उस ढंग का नहीं होगा। लेकिन ऑफलाइन क्लास विशेषता यह होती है कि आप उसको अपने माहौल में नहीं ले जा सकते हैं बल्कि आप उनके माहौल में जाते हैं, और यही सबसे बड़ा प्रभाव है ऑफलाइन शिक्षा कि वो आपको अपने माहौल में खींचता है। याद रखिए बलमंती को बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें। आप अच्छा राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, आप अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं या बढ़िया कर्मचारी बनना चाहते हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं वो सब कुछ आप बन सकते हैं। बस आप जितना अपने प्रेमी या प्रेमिका को ध्यान से सुनते हैं, उसको याद करते हैं, उनके बातों पर चिंतन मनन और विषयन करते हैं, उतना बस अपने गुरु पर। और जानते हैं जो समय आप टीन एज में दूसरे चीजों में दे रहे हैं ना, आप समझ रहे होंगे किस चीज में, जो समय आप अपने टीन एज में दूसरे चीजों में दे रहे हैं, वही समय एक व्यक्ति अपने गुरु को दे दे, गुरु उसको सब कुछ दे सकता है, कुछ बच नहीं सकता है। याद रखिएगा कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ मिल जाएगा उस व्यक्ति को। और एक बात याद रखिएगा, गुरु सिर्फ सुने होंगे कि राष्ट्र निर्माण करता है, गुरु व्यक्ति निर्माण करता है, समाज निर्माण करता है, राष्ट्र निर्माण करता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, गुरु सिर्फ व्यक्ति को नहीं बनाता है और व्यक्ति को ईश्वर बना देने की ताकत भी देता है। आप सुने होंगे हमारे धनवंशी में संत शिरोमणि महर्षि मेदिनीदास, उन्होंने लिखा है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही कोई, दंगल उद्वैत रहे नहीं कोई, नहीं ऐसी आरती की जाए, भव मह जन्म बहुरी नहीं ली जाए। गुरु के पास यह ताकत होता है कि व्यक्ति को वो ईश्वर बना सकता है, जीव को ईश्वर बना सकता है, जीव को शिव बना सकता है और आत्मा को ब्रह्म बना सकता है। इतनी संभावना के निहित होने के बाद गुरु पर विशेष टिप्पणी करनी अब मुझे शोभा नहीं दे रहा। विशेष बातें जो करनी थी वो मैंने बता दी। बहुत सारे शिक्षक रहने वाले सामने, मैंने कोई भाषण नहीं दिया, मैंने संवाद किया है, मुझे जो लगा मुझे कुछ बातें करनी चाहिए आप लोगों से मैंने की। थैंक यू। अभी आप लोगों के बीच कुछ समय बाद सभी शिक्षकगण से निवेदन करता हूं कि और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर जो केक कटाई का जो एक रस्म हम लोग निभाते हैं उसको पूरा किया जाए।